हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग चैप्टर एक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उससे पहले, रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले कुछ बातें जान लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान हमारे आसपास, हमारे घर पर, हमारे बाहर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। और हमारे इस केमिस्ट्री से हमारे कई रिएक्शन जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर में ही रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना। हम खाना बनाते हैं, वहां पर भी रिएक्शन होती है। तो कई जगह हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। रासायनिक अभिक्रियाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो चीजें पढ़ी होंगी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अगर मैं भौतिक परिवर्तन की बात करूं, तो इसमें जो है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। जैसे ये चाक है, ठीक है ना, इस चाक को मैं तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं, चाक टूट के अलग हो गए, लेकिन क्या ये चाक थी अब कुछ और बन गए? अरे, रसगुल्ला बन गया क्या हमारा? नहीं ना, चाक की चाक ही रही, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। दूध है, दूध को रख दूं, कुछ समय के बाद गर्मियों में दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, इससे वो दही बन जाता है, होता है। दूध मीठा है, उसका स्वाद अलग है, दही हमारा खट्टा है, उसका स्वाद अलग है, दूध और दही अलग अलग है, ठीक है ना। ओके, अब जैसे कि दूध और दही, दूध से हम दही बना लेंगे, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते। रासायनिक परिवर्तन, बर्फ है, बर्फ को गर्म कर दें, पानी H2O बन जाएगा, H2O को ठंडा कर दें, फिर बर्फ बन जाएगी, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? बर्फ कैसा था? ठोस, ठोस, गर्म किया, लिक्विड यानी कि जल बन गया, द्रव। फिर ठंडा कर देंगे, वो फिर बर्फ बन जाएगी, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर, ये होता रहता है। अवस्था बदलती है केवल, बर्फ का जो स्वाद होगा वही जल का स्वाद होगा, टेस्ट। यहां पे हमने बोला दूध, हमने क्या बनाया? दही। दूध का स्वाद और दही के स्वाद में फर्क है। दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध अब नहीं बनेगा। यह है रासायनिक परिवर्तन और यह है भौतिक परिवर्तन। ओके ना। तो जब ये पढ़ना जो है हमको, वो क्या है? हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक परिवर्तन,
रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया। बात समझ में आए? तो जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसको पहचानते कैसे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? ठीक है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है वो देखिए, डिफिनेशन पे आते हैं। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लेना, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, डिफिनेशन को देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, C+O2। ये आपको लिखना नहीं, कल समझना है। CO2 H2+O2 H2O, ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं लिख रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया है, ये दो पदार्थ लिए, ये दो पदार्थ लिए, एरो के इस साइड वाले को, इस साइड वाले को अभिकारी बोलते हैं, एरो के इस साइड वाले को उत्पाद बोलते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अभिकारी उत्पाद। तो ये है अभिकारी और ये है उत्पाद। अभिकारी दो से अधिक हो सकते हैं, दो से ज्यादा ले सकते हैं, उत्पाद दो से ज्यादा बन भी सकते हैं, एक से ज्यादा ही बन सकते हैं, एक से कम, एक तो बनेगा, एक से ज्यादा भी बन सकता है उत्पाद। ओके ना? चल तो देखते हैं डिफिनेशन। देखिए, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? अथवा में देखिए दूसरी परिभाषा को, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, आप समझ में आया मैंने क्यों बताया था रासायनिक परिवर्तन, पहले इसीलिए बताया था मैंने, अब मुझे रासायनिक परिवर्तन समझाना नहीं पड़ेगा। जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण
के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 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 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, बाद में समझ लेना, पहले रफ करें, ध्यान से देखना। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों की रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है हमारी। इसमें दो पदार्थ लिए गए और दोनों पदार्थ के मिलने से एक नया पदार्थ बना। ये देखो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम, जबकि ये गैस गैसीय अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में है, और ये ठोस अवस्था मैग्नीशियम ऑक्साइड ये ठोस अवस्था में है। ये चीज अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग है हमारा, और मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन तो आप जानते हैं वायु हमारी वो अलग है, ठीक है ना। दोनों ये अलग अलग थे, जब मिले तो उन्होंने एक नया तीसरा भी अलग बनाया। तो जब दो पदार्थ आपस में मिले और एक जो पदार्थ बनाया वो भी अलग बनाया, नया बनाया, इनसे वो अलग बना, नया बना कुछ, तो ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे घर में आपने चावल लिया और चावल को पानी में डाला, आपने, और आप क्या बोलते हैं उसको, आपकी भात, आपने भात बनाया, चावल बनाए पकाते जो आप लोग खाते हो, बना। तो चावल का स्वाद, पानी का स्वाद सब अलग, और जो भात बना उसका स्वाद पकने के बाद में उसका भी स्वाद चेंज, वो भी अलग। चावल कच्चे थे वो अलग थे, पानी वो अलग था, जो भात बना वो भी अलग बना। वैसे ही मैग्नीशियम अलग है, ये एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग है हमारा पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ बना। अब बात समझ में आई, ओके ना, हो गया ना पूरा।
आपका होमवर्क ये है कि मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताए थे प्रारंभ में, स्टार्ट में मैंने बताए थे आपको शुरुआत में, उनके जो है आपको 10-10 जो है एग्जाम्पल लिख के भेजने हैं और डिफिनेशन अपने हाथ बना के लिखनी है। क्या मैंने बोला था? भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जबकि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या था? वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना, जबकि अवस्था में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी, ठीक है ना। लेकिन एक पदार्थ नया बनेगा, तो इनके आपको जो है एग्जाम्पल जो है आपको लिखने हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 10 एग्जाम्पल लिखने हैं अपने पास से। ये आपका होमवर्क है।